मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, लेसन नंबर थ्री, इंग्लिश। बच्चों, लेसन नंबर थ्री आपका कल शुरू कर दिया गया था, जिसका नाम था द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। ये हम कैमल के बारे में हमने जो है आधा लेसन ये कंप्लीट किया था, लेसन नंबर थ्री है, और इसका जो शेष है उसको आज कंप्लीट किया जा रहा है। कल आधा कंप्लीट हुआ था, जो आधा है उसको आज कंप्लीट किया जाएगा। आप सभी ध्यान से वीडियो को देखें। शुरू करते हैं बच्चों। आई हैव थिक हेयर ऑन माई बॉडी, मैं अपने शरीर पर घने बाल रखता हूँ, या मेरे शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं। ऊँट की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। तो इसमें पहला है, आई हैव थिक हेयर ऑन माई बॉडी, मेरे शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं। इट सेव्स मी फ्रॉम द हीट, वह मुझे गर्मी से बचाते हैं। ऑफ द सन, सूर्य की, वह मुझे सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। ठीक है बच्चों। आई हैव बुशी आईब्रोज एंड लॉन्ग आईलेसेस, आई हैव बुशी आईब्रोज, आईब्रो मीन्स बोहें, जो कान आँखों के ऊपर होती हैं। मेरी बोहें झाड़ियों की तरह होती हैं, मेरी बोहें, बुशेज मीन्स झाड़ियाँ, मेरी बोहें झाड़ियों की तरह होती हैं। एंड लॉन्ग आई लेसेज, और आँखें बहुत लंबी होती हैं। आई हैव हेयर ऑन माई ईयर होल्स आल्सो, मेरे मैं अपने कानों पर भी बहुत अधिक बाल रखता हूँ, या मेरे कानों पर भी बहुत अधिक बाल होते हैं। ठीक है, मेरे कानों पर भी बहुत अधिक बाल होते हैं। आई कैन क्लोज माई नोस्ट्रिल्स व्हेन देयर इज ए स्टॉर्म, मैं बंद कर सकता हूँ अपने नाक को, मैं अपनी नाक को बंद कर सकता हूँ। व्हेन देयर इज ए स्टॉर्म, जब तूफान आता है, मैं अपनी नाक को बंद कर सकता हूँ जब तूफान आता है। दस माई नोज, इसलिए मेरी नाक, माई आईज, मेरी आँखें, एंड ईयर होल्स, और मेरे कान, डो नॉट गेट सैंड इन देम, धूल को अंदर नहीं जाने देते हैं, या मिट्टी को अंदर नहीं जाने देते हैं। दस माई नोज, माई आईज, एंड ईयर होल्स, डो नॉट गेट सैंड इन देम, इसलिए मेरे नाक, मेरी आँखें और मेरे कान धूल मिट्टी को अंदर नहीं जाने देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। My feet are wide, my under side is padded, I can grip well on sandy grounds, my legs are very strong, I can run quite fast. My feet are wide, मेरे पैर लंबे होते हैं, मेरे पैर लंबे होते हैं, लंबे और चौड़े होते हैं, मेरे पैर लंबे और चौड़े होते हैं। माई अंडर साइड इज़ पैडेड, मेरे पैर नीचे से गद्देदार होते हैं, मेरे पैर नीचे से, अंडर साइड का मतलब नीचे से, मेरे पैर नीचे से गद्देदार होते हैं। आई कैन ग्रिप वेल ऑन सैंडी ग्राउंड्स, मैं ग्रिप पकड़ सकता हूँ वेल अच्छे से ऑन सैंडी ग्राउंड्स, मिट्टी की भूमि को, मैं अपने पैरों से मिट्टी को या रेत को अच्छी तरह पकड़ सकता हूँ, मैं अपने पैरों से रेत को या रेतीली मिट्टी को अच्छी तरह पकड़ सकता हूँ। माई लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे पैर बहुत मजबूत होते हैं। आई कैन रन क्वाइट फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। बढ़ते हैं बच्चों आगे। आई एम वेरी यूजफुल फॉर मैन, ही गेट्स फॉर मी मीट एंड मिल्क, ही यूजेज माई हेयर टू मेक क्लोथ्स एंड मैनी अदर थिंग्स, ही कैन यूज माई ड्राइड ड्रॉपिंग्स एज फ्यूल। हिंदी देखिए। आई एम वेरी यूजफुल फॉर मैन,
मैं आदमियों के लिए बहुत लाभदायक हूँ। मैं मनुष्यों के लिए बहुत अधिक लाभदायक हूँ। ही गेट्स फ्रॉम मी मीट्स एंड मिल्क। वह मुझसे मांस और दूध लेते हैं। वह मुझसे मांस और दूध लेते हैं। ही यूजेज माय हेयर टू मेक क्लॉथ्स एंड मैनी अदर थिंग्स। वह मेरे बालों से कपड़े और दूसरी अन्य चीज़ें बनाते हैं। वह मेरे बालों से कपड़े और दूसरी मैनी अदर थिंग्स दूसरी अन्य चीज़ें बनाते हैं। ही कैन यूज़ माई ड्राई ड्रॉपिंग्स एज फ्यूल। वह मुझे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। वह मुझे दोबारा बोल सकते हैं, ही कैन यूज़ माई ड्राई ड्रॉपिंग्स एज वेल एज फ्यूल। वह मुझे सूखे में ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को आप देखें। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि जब तक ये लेसन चलता है तब तक आप इसी की राइटिंग करते रहेंगे, और ऐसी उम्मीद है कि आप इसकी राइटिंग कर भी रहे होंगे। राइटिंग करना बेहद ज़रूरी है जिससे आपके राइटिंग ठीक चलती रहे, आपकी राइटिंग कंट्रोल में रहे। तो राइटिंग करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। आप एक पेज पर कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। जितने आप लिखेंगे उतना आप, एक तो इंग्लिश पर कंट्रोल हो जाएगा, इंग्लिश बोलनी अच्छी आ जाएगी, पढ़नी अच्छी आ जाएगी, और आपकी राइटिंग में सुधार बराबर चलता रहेगा, राइटिंग में आपका इम्प्रूव बराबर होता रहेगा। इसलिए आप विशेषतः हिंदी याद करते समय राइटिंग उसी लेसन की करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आगे आप देखेंगे वीडियो में वर्ड्स दिए गए हैं, डिज़र्ट से लेकर के ड्रॉपिंग तक हैं, ज़्यादा नहीं है। इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, वीडियो से देख करके याद कर सकते हैं। जिन बच्चों पर बुक नहीं है वो बुक ले सकते हैं, बुक स्कूल में रखी हुई हैं। जितनी भी जल्दी आप बुक लेंगे आपकी पढ़ाई जो है और अच्छे ढंग से शुरू हो जाएगी। ये तीसरा लेसन आपका चला हुआ है। कंप्लीट लेसन की हिंदी फिर आप कॉपी पर आप करेंगे, ठीक है बच्चों। कंप्लीट लेसन की हिंदी आपको रब कॉपी पर करनी होगी, और ऐसा हो सकता है कि आपके याद ना हो पाए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जिन बच्चों ने या जो बच्चे अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो फ़ोन करके स्कूल में अपने आप को ग्रुप में जोड़ें जिससे वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। यूट्यूब पर चैनल SSMIC को सब्सक्राइब करें जिससे प्रतिदिन जो वीडियो हम पहुंचा रहे हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लॉकडाउन लगा हुआ है, पालन करते रहें, अंदर रहें, बिना काम बिना कार्य कोई घर से बाहर नहीं निकले। आप अच्छे रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। थैंक यू।